आग लगी है। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, जालौर से भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल ने किया मतदान, सांचौर के जाजुनसन में किया मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर जालौर से, जहां सिरोही संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी है देवजी पटेल, राजसमंद में किरण माहेश्वरी ने डाला वोट। वक्त की बड़ी खबर जालौर से, जहां भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल ने किया अपने मतदान का प्रयोग, सांचौर के जाजुसन में किया मतदान। सिरोही संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं देवजी पटेल, तो वहीं राजसमंद में किरण माहेश्वरी ने डाला वोट। इस वक्त की बड़ी खबर जालौर से, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता प्रवीण जी। प्रवीण, जालौर से देवजी पटेल ने अपने मत का प्रयोग किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि देवजी पटेल ने अपने गांव जाजुसन में मतदान केंद्र पर अपना मत का प्रयोग किया है। वही रतन देवासी जो कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने अपने गाँव में जाकर मतदान का प्रयोग किया और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया जारी है। जी प्रवीण, अगर बात करें जालौर की, तो अभी तक क्या माना जा रहा है, कितना प्रतिशत वोट हो चुका है, क्या लोग लंबी बड़ी तादाद में वोट के लिए आ रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जालौर के जितने भी बूथ है उनमें लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, वोटर वोट डालने के लिए अपने कतारों में खड़े हैं और अभी तक बताया जा सकता है कि कम से कम 7% तक मतदान हो चुका है। जी प्रवीण, अगर बात करें सुरक्षा इंतजाम की, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मतदाताओं के लिए? मतदाता के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, पुलिस जाब्ता जगह जगह जाब्ता तैनात है और इनके गर्मी की वजह से ज्यादा होने के कारण छाया की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी, तो वही प्रवीण, राजसमंद से किरण माहेश्वरी ने भी मतदान किया है, इस पर क्या कुछ कहना है? राजसमंद से जो मतदान किया है वो अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया है और शांतिपूर्वक सबसे अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रवीण। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जालौर से, जहां भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल ने मतदान किया, इसके साथ ही राजसमंद में किरण माहेश्वरी ने अपना वोट डाला।